भाई ये देखो, ये देखने को क्या मिल गया हमें भाई। देखो ये क्या बंदा बना हुआ है भाई, चिलम वाली ताई भाई, चिलम वाली ताई। ये जो दिख रहा है ना रेड कलर का, ये जब तक व्हाइट नहीं होता ना तब तक जो $300 में ये छोटा सा रूम आया, इतने में इंडिया में हम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अटलांटा एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं घर से शुरुआत नहीं कर पाया। मैं रात को पैकिंग करते करते 11 बज गया भाई, मैं 11:30 बजे तक सोया। सो करके मैं सोचा कि 1 बजे उठ के वीडियो बना लूंगा, लेकिन भाई सोचा हुआ काम होता नहीं है, मैं 1 बजे नहीं उठ पाया। फिर मैं सीधा 2 बजे उठा, फिर मेरे अंकल ने मेरे को कॉल किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, जल्दी से रेडी होकर के आ जा। फिर मैं भागते हुए जल्दी रेडी हुआ, रेडी होकर के मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के इधर आ गए हम लोग। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, हम वहाँ से 2 बजे निकले थे, 1 घंटे में यहाँ पे आ गए अटलांटा एयरपोर्ट पे। आप ये मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, ये हम पार्किंग में है, ये टॉप फ्लोर पे है, ये 3rd फ्लोर पे हम पार्किंग में खड़े हैं और उनके हमारी गाड़ी उधर पार्क है। मैं इधर आके थोड़ी साइड में वीडियो बना रहा हूँ और आई होप कि मेरी भी आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। गाइस, मैं अभी आ गया हूँ फ्लाइट में और हमारी फ्लाइट अभी 15 मिनट का टेक ऑफ करने वाली है। गाइज, हम फाइनली न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके हैं और अभी मैं आ गया हूं सीधा टाइम स्क्वायर। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट टाइम स्क्वायर से कर रहा हूं और यहीं पास में मेरे पास यहीं पे होटल मेरा बुकिंग है। तो होटल में एक रूम रेडी है, लेकिन एक रूम अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए मैं वेटिंग में हूं। जो मेरे अंकल हैं वो गए हैं ऊपर, वो अभी आएंगे। मेरा बोला है कि 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद मेरा रूम तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं रूम में जाऊँगा, आपको रूम टूर दूंगा रूम में क्या कैसा है। और ये देखो गाइज, ये देखो भाई न्यूयॉर्क, ये देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। तो गाइस ये रहा हमारा होटल, देखो भाई कैसा लग रहा है, एक बार देख लो भाई, ये रहा हमारा होटल। तो गाइज अभी रूम रेडी नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ बैठ कर रहा हूँ, अपना इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब मेरा रूम रेडी हो, मैं जाऊँ फ्रेश हूँ, थोड़ा खाना पीना खाएं, फिर उसके बाद घूमेंगे। बहुत भूख लगी है गाइज, हम रात को निकले थे 2 बजे, मतलब रात को ही खाना खाया, अभी बज गए दिन के 1 बज गए, खाना वाना नहीं खाया। तो अभी जाएँगे हम, अब देखो कब रेडी रूम होता है। इन्होंने तो बोला है कि 15 मिनट हुआ, 10 मिनट तो बीत गए होंगे, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं टाइम स्क्वायर, अभी बढ़िया से एक्सप्लोर करते हैं। चलो आप लोग वीडियो भी बने रहे ना। तो गाइस मैंने, हम लोगों ने अभी खाना वाना खा लिया है और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं आइस, देखते हैं आइस कहाँ मिलता है। आंटी को चाहिए थी आइस, वो आइस ही खाती है, मतलब पीती है पानी की तरह, तो उसके लिए हम आइस ढूँढ रहे हैं और पता नहीं कहाँ मिलेगा। अभी जा रहे हैं मैकडोनाल्ड्स में। ये देखो गाइस न्यूयॉर्क, एक तो यहाँ पर कंजेस्टेड गलियाँ हैं, ऊपर से बिल्डिंग्स देखो कितनी बड़ी बड़ी, मतलब काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है गाइस। तो गाइस हम खाना वाना खा के आ गए अपने रूम पर। ये रूम तो भाई पैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिए, लेकिन रूम देखो कितना छोटा कंजेस्टेड दे रखा है। एक आदमी के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन भाई बहुत काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है। और आपको रूम टूर करा देता हूँ। एक देखो यहाँ पर एक आईना दे रखा है, यहाँ पे एक लाइट है, वो जो वो है वो उसमें चार्ज भी होता है और वो अलार्म भी है। ये है टीवी की रिमोट, यहाँ पर है टीवी, यहाँ पे कुछ रखने के लिए दे रखा है, फिर बगल में है एसी का कंट्रोल, एंड फिर एक कवर्ड दे रखा है जिसमें इसमें एक दे रखा है आयरन हैंगर एंड छाता है, वो पता नहीं गाइस क्या चीज़ है, मेरे को नहीं पता। और नीचे माइक्रोवेव दे रखा है, एंड इस साइड में है बाथरूम,
ये रहा सामने बाथरूम, एक दे रखा छोटा सा मिरर एंड बेसिन जो कि क्लियर है, एंड बाथरूम है इधर, एंड टॉवल दे रखा है, एंड नहाने का ये है एरिया। मतलब छोटे से रूम में ही बहुत कुछ दे रखा है, एंड काफ़ी कंजेस्टेड है। अगर रेंट की बात करें तो इन्होंने हमसे रेंट लिया तकरीबन $300। मतलब सोचो $300 में ये छोटा सा रूम आया। इतने में इंडिया में हम 4 स्टार या 5 स्टार में रुक सकते थे, वो भी 2 दिन के लिए, हम जबकि 1 दिन के लिए यहाँ पे। हमने डिसाइड किया कि हम टाइम स्क्वायर में घूमेंगे रात में, क्योंकि रात में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। रात में थोड़ा हर जगह लाइट वाइट रहती है तो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं भी आज पहली बार आया हूँ भाई, और एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि गाइज आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, मैंने अभी तक मतलब एक बार भी नहीं देखी, अभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तो गाइज आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहेगा और आपको दिखाते रहेगा। तो आप लोग तो हेलो गाइज, देखो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है कि देखो कैसा सिटी है भाई, एकदम माइंड ब्लोइंग सिटी है भाई। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और देख के भाई ऐसा लग रहा है ना कि मतलब भाई किसी मूवी में हम जैसे देखते थे ना, बिल उससे भी ज़्यादा बढ़िया है भाई। और मेरे सामने हम जा रहे हैं अभी टाइम स्क्वायर के पास, जो मेन वाला जो सिटी है ना, जो सारी तरफ वो लाइट वाइटी लगी रहती है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और भाई माइंड ब्लोइंग है यार, मैं क्या बताऊँ यार। आप अगर कैमरे में देखोगे तो उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन सामने से अगर देखो ना तो भाई माइंड ब्लोइंग है भाई। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, मैं कैमरा ऑफ नहीं करूँगा भाई। आप लोग देखो यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे गाड़ियाँ आती हैं, कैसे क्रॉस होता है, क्या चीज़ है। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। गाइज ये देखो अमेरिका का क्राउड भाई, ये देखो टाइम स्क्वायर का, ये लगता है जीजस का कुछ निकाला हुआ है इन्होंने, जुलूस निकला हुआ है भाई। क्राउड देखो एक बार भाई तुम, ओ भाई साहब भाई माइंड ब्लोइंग भाई। भाई अब देखते जाओ, ये देखो ये जीजस की वो निकाल रखी है इन्होंने, और देखो क्राउड कितना सारा है भाई, बहुत सारे लोग है भाई। और इधर है अपना टाइम स्क्वायर जो मेन सिटी वाला है। अभी आगे जाएंगे थोड़ा, ये देखने के बाद हम आगे निकलेंगे। आप भी देखो तब तक ये, और ये देखो गाइस ये लग रहा है जैसे भाई पानी गिर रहा ऊपर से भाई। देख रहे हो क्या बना रखा है, क्या चीज उन्होंने बना रखा है भाई, वो भाई माइंड ब्लोइंग यार। ये देखो भाई कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं। ये जो दिख रहा है ना रेड कलर का, ये जब तक व्हाइट नहीं होता ना तब तक लोग रोड क्रॉस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखो लोग ऐसे ही क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी क्राइम ज़्यादा है, लेकिन भाई कुछ भी है, लेकिन न्यूयॉर्क भाई न्यूयॉर्क है भाई। ओपी यार, माइंड ब्लोइंग यार। ये देखो गाइस इस रिक्शे में डीजे लगा रखा है, इसने एकदम गाना फुल मजे ले रहा है, बजाते हुए जा रहा है। ये देखो गाइस यहाँ पे जो ये देखो कितनी धुआं जैसे निकल रही है, गंदी है बहुत ज्यादा यहाँ पे। ये देखो गाइस ये लव पे कुछ भाई कुछ स्पीच दे रहे हैं, लव के ऊपर भाई बता रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को देखने की भीड़ देखो भाई बहुत ज्यादा ही क्राउड है। ये देखो भाई ये भी भाई यूट्यूबर है जो की वीडियो बना रहे हैं भाई। ये देखो एक बार लोग देखने के लिए एकदम पागल हो रखे हैं भाई। भाई ये देखो, ये देखने को क्या मिल गया हमें भाई, देखो ये क्या बंदा बना हुआ है भाई, चिलम वाली ताई भाई, चिलम वाली ताई। Do it, black guy.